राजस्थान में कुछ दिन पहले ही अकबर की मौत के समेत देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही के दिनों में बड़ी मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश भर में जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक चल रहे हंगामे के बीच इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी सिलसिले में कोलकाता में मुस्लिम समाज की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर आपको ठीक कुछ गर्मी है, याद रखें मरकजी सरकार, आज ये मॉब लिंचिंग बंद नहीं हुआ तो कल को मरकजी जमीयत उलमा हिंद मजलिस अहरार इस तरह के बड़े बड़े तंजीम तमाम मकतबे फिक्र के मेन रोड पर उतरेंगे और हुकूमत हिंद को ये बताएंगे कि ये जालिम पॉलिसी और ये टोटले पॉलिसी को बंद करो। ये मुल्क हिंदुस्तान हमारे खून देकर इस हिंदुस्तान को हमने सींचा है। इस हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग अगर हिंदू भाई के साथ होता है तो भी हम इसी रोड पे नजर आएंगे, और मुसलमानों के साथ होता है, सिखों के साथ होता है तो भी हम इसी रोड पे नजर आएंगे। काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर निकले और हाथों में बैनर पोस्टर लिए उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर मोदी सरकार को भी घेरा। मॉब लिंचिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो, अकबर के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि इस देश में सब एक हैं, सब धर्म एक जैसे हैं और किसी को धर्म के नाम पर ही सिर्फ मॉब लिंचिंग की बलि नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। समाज के नौकर हो सकते हैं, ये गुलाम हो सकते हैं, ये झंडा ढोने वाले हो सकते हैं, ये नेता नहीं हो सकते हैं। ये कहते हैं कि गाय को छूना बंद करो नहीं तो मॉब लिंचिंग ऐसे ही चलता रहेगा, हम तुमको मारते रहेंगे। मेरे दोस्तों याद रखो, इन लोगों ने राज्य और केंद्र सरकार से मॉब लिंचिंग पर नकेल कसने की भी मांग की। इन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग को नेशनल क्राइम करार दिया जाए और उसे तुरंत बंद करने के उपाय खोजे जाएं।